प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया हसन ने बिना किसी तामझाम के शुक्रवार को डिप्टी मेयर पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हालांकि बड़ी संख्या में उनके शुभचिंतक, कई पार्षद पद के प्रत्याशी, राजनीतिक दल से जुड़े नेता सभी ने नामांकन स्थल पहुंचकर नाजिया हसन को बधाई देते हुए उन्हें अपना समर्थन दिया। बेहद साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली नाजिया हसन ने अपने सामाजिक आंदोलनों और कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा के समय में समाज सेवा कर अपनी पहचान स्थापित की है। यही कारण है कि दरभंगा में महापौर और उप महापौर का सीट महिला आरक्षित होने के बाद समाज के लोगों के अनुरोध पर वह चुनावी मैदान में उतरी हैं। नामांकन के बाद नाजिया हसन ने कहा कि वह विकास का वादा नहीं बल्कि एक ईमानदार सोच लेकर आई हैं। क्या आप कम सुनते हैं या बेस्ट हियरिंग एड्स की तलाश कर रहे हैं? तो आप टेंशन फ्री होकर हियरिंग स्पेशलिस्ट साई हियरिंग केयर हॉस्पिटल आइए। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें साई हियरिंग केयर से। अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें 7991120231। हमारा पता है हॉस्पिटल रोड, हनुमान मंदिर के सामने, लहरिया सराय, दरभंगा। जी मैम, किस पद के लिए आपने अभी पर्चा दाखिल करके आए हैं? मैं डिप्टी मेयर उम्मीदवार का मैंने अभी नॉमिनेशन करके मैं बाहर निकली हूँ। अपने बस मेरा मोटिव, मेरी सोच बस यही है कि अपने नगर निगम को बेहतर से बेहतर खूबसूरत बनाने का मेन मोटिव मेरा यही उद्देश्य है। अपना जितना भी नगर निगम में जितनी भी है गली कुची चौराहा जितना भी है उस सबको बेहतर खूबसूरत बनाने का उद्देश्य लेकर के आऊँ। सरकारी स्कूलों में जो भी फैसिलिटी नहीं है, सुविधाएं नहीं है, उन सब सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचाने का। शौचालय, हमारी माँ बहनें जो रोजमर्रा की जिंदगी करके दो चार पैसे कमाती उन लोगों के लिए शौचालय का इंतजाम नहीं है, तो ऐसा नगर निगम का बहुत सारा ऐसा जमीन पड़ा हुआ है जो भू माफिया के अंदर में है या ऐसे ही पड़ा हुआ है, उन सब पे वहाँ पे एक शौचालय निर्माण, पार्क निर्माण, जो बच्चे सब खेल कूद सके, ऐसा मोटिव लेकर के, ऐसी सोच लेकर के आई हूँ। आज सबसे पहले आप जन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जनता जाग चुकी है, अपना आप ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपके साथ जमीन पर आकर के काम कर सके, अपने 500,000 रुपए में अपना जमीन नहीं बेच सके, जो आप मेयर, डिप्टी मेयर, वार्ड काउंसिलर ऐसा चुने जो आपके साथ रोड पर आकर के आपके हर काम में, आपके घर पे आकर के आपका साथ काम में कंधे से कंधे मिला के आपके साथ काम कर सके। बस यही सोच के साथ मैं अपने भाइयों के साथ, अपने गार्जियनों के साथ ये हौसला लेकर के मैंने ये नॉमिनेशन किया है। बस यही आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे दुआ दें और मेरा साथ दें। अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगा आपको दरभंगा शहर के लिए? मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा मेरी महिलाओं को, हमारी सारी महिलाओं को अच्छे से अच्छा उनके लिए विकल्प लाने का। अगर हमारी जितनी भी, अगर वार्ड काउंसिलर में महिलाएं हैं, जो हमारे नगर निगम में महिलाएं हैं, जो हमारी महिलाएं हर कुछ न कुछ डिपार्टमेंट में हैं, उन सब महिलाओं को जागरूक करना, उस महिलाओं को जागृति देना कि वो भी बहुत कुछ कर सकती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं। सबसे पहला दूसरा मोटिव कि मैं स्कूल, जो आज प्राइवेट स्कूल जो चमक रहा है, सरकारी स्कूल नहीं, मैं पूरे दरभंगा नगर निगम में हर स्कूल को अच्छे से अच्छा शिक्षा प्रदान करने की, उसको बेहतर खूबसूरत में लाने का सबसे मेरा मोटिव रहेगा। और उसके बाद जल जमाव तो आपसे छुपा हुआ नहीं है, गंदगी कचरा तो आपसे छुपा हुआ है ही नहीं, बस वही सबको, सबके साथ मिल करके जो क्या स्कीम होगी इंशाल्लाह वो स्कीम के साथ मेरा मार्गदर्शन आप लोग दीजिएगा, मैं उस काम को आगे जारी रखूंगी। जब मुझे ये अथॉरिटी मिलती है, जब मुझे अथॉरिटी नहीं थी तो मैं समाज के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी माँ बहन के लिए, अपनी बेटियों के लिए जब आ सकती हूँ, जब मुझे ये अथॉरिटी मिलेगी तो मैं कर नहीं सकूंगी, जरूर करूंगी। सबसे पहले मेरा मोटिव रहेगा हमारी माँ बहन बेटियों को बराबर सम्मान देना। हमारी माँ बहन बेटियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उसके पास भी बहुत सारा पावर है, ताकत है, अथॉरिटी। इस बार उसको तीन तीन अथॉरिटी मिला है, वार्ड काउंसिलर चुनने का, मेयर चुनने का, डिप्टी मेयर चुनने का। वो ऐसी महिलाएं, ऐसी माओं को लाएंगी, ऐसी बेटियों को लाऊंगी जो उनके साथ दुख सुख में हर वक्त खड़ी रहेंगी, हर काम में खड़ी रहेंगी। हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना जमीन 500,000 रुपए में, मेरी माँ बहनों कोई मत दे, 500,000 रुपए में आएंगे लालच देने के लिए सब तुम्हारे पास आएंगे, सब तुमको लोभन देने 2,000 रुपया 5 किलो दाना, लेकिन अपना जमीन नहीं बेच
जिएगी ना भाई कचरा के ढेर पे, वो नहीं जिएंगे। वो तो कहाँ रहेंगे, एसी में रहेंगे, एसी वाले घर में रहेंगे, आप वो नहीं रहेंगे। इसीलिए अपना सोच समझ करके मैं यही जनता से अपील करूंगी, सोच समझ करके वो अपना उम्मीदवार चुने। मैं नाजिया हसन, डिप्टी मेयर।